नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। गुमला में जमीन दलालों के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, विरोध में शव के साथ घंटों की सड़क जाम। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में रौतरिया जाति की जमीन की दलालों द्वारा बेच दिया जा रहा है, इसे प्रशासन की भी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। जमीन दलालों की इस करतूत से रौतरिया जाति का गुस्सा फूट पड़ा और मंगलवार को चैनपुर मुख्यालय की मुख्य सड़क को 4 घंटे जाम रखा। रौतरिया जाति के अनुसार 50 एकड़ से अधिक जमीन को दलालों द्वारा अंचल कर्मियों की मिली भगत से फर्जी तरीके से लिखवा लिया गया, जिसके रौतरिया समाज में आक्रोश है। चैनपुर बस स्टैंड के जाम कर आक्रोश प्रदर्शन किया। शव भी बीच सड़क पर रखा और बस स्टैंड लगभग 4 घंटे जाम रहा, जिससे राहगीरों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खतियानी जोहार यात्रा पर बीजेपी पर हमलवार रहे सीएम हेमंत सोरेन, कहा अभ्रक उद्योग के लिए नया कानून जल्द। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा से की है। यहां के बागीटांड स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम जहां पूरी तरह भाजपा पर हमलावर रहे, वहीं अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भविष्य की योजनाओं को सामने रखा। सीएम श्री हेमंत ने कहा कि भाजपा ने राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों से 18 वर्ष से ज़्यादा समय तक राज किया, पर झारखंडियों को पहचान नहीं दिला पाए। भाजपा ने सिर्फ जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़वाया और लड़ रही है, पर हमारी सरकार ने झारखंडियों के लिए खतियान आधारित पहचान दिलाने का काम किया है। जेपीएससी प्रथम उपसमाहर्ता समिति परीक्षा पर डिप्टी कलेक्टर बने सहायक शिक्षक कांचन मुखर्जी को मिला 70वां स्थान। जेपीएससी प्रथम उपसमाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर समिति परीक्षा में रांची जिले के बुंडू प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय दामी के सहायक शिक्षक कांचन मुखर्जी ने सफलता हासिल की है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में उन्हें 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में उसका सामान्य कोटि से चयन हुआ है। 1999 में बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ये सहायक शिक्षक बने थे। इसकी पदस्थापना 2010 में राजकीय मध्य विद्यालय दामी में सहायक शिक्षक पद पर हुई थी। बीपीएससी द्वारा वर्ष 2020 में 1 वर्षीय सेवानिवृत्त परीक्षा में शिक्षा प्रशिक्षण सेवा में पलामू प्रखंड के प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बजट 2023 से उम्मीदें, झारखंड सरकार अंडा, मातृत्व हक, पेंशन और राशन को दे प्राथमिकता। भोजन का अधिकार अधिनियम झारखंड ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है कि वर्ष 2023-24 के बजट में अंडा, मातृत्व हक, पेंशन और राशन को प्राथमिकता दे। बुधवार को राजधानी रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संस्था ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की खतरनाक स्थिति को दूर करने के लिए जरूरी है। अनुबंधन कर्मियों ने शुरू की हड़ताल, कहा जब तक सरकार नहीं करती नियमित जारी रहेगा प्रदर्शन। राजभवन का घेराव करने के बाद के अनुबंधन कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मियों का कहना है कि अब जब तक उसकी बात सुनी नहीं जाएगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। आपको ज्ञात हो कि संघ पारा मेडिकल नियमावली 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी पारा मेडिकल कर्मियों को वर्ष 2014 की तरह विभागीय समायोजन की प्रक्रिया अविलंब शुरू नहीं होने के कारण आक्रोशित है। मांगे पूरी नहीं होने पर 16 जनवरी को संघ ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हाजदा को जेल, 2 लाख कैश बरामद, पारसनाथ इलाके में चल रहा सर्च ऑपरेशन। पारसनाथ इलाके में आतंक मचाने वाले 15 लाख की इनामी और कुख्यात नक्सली कृष्णा हाजदा को गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नक्सली वर्दी, नकली रुपये समेत कई सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा कृष्णा के पास से लेवी से रूप में वसूले गए करीब 2 लाख रुपये के कैश बरामद किए गए हैं। नक्सली कृष्णा हाजदा की निशानदेही पर अभी भी पारसनाथ के इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कल मंगलवार को SP अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। झारखंड के संताल आदिवासियों ने कफन प्रथा पर लगाई रोक, बदले में देने होंगे पीड़ित परिवार को धनराशि। हजारीबाग, रामगढ़ व बोकारो जिले के संताल आदिवासी बहुल गांव में कफन प्रथा पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को चुरचू प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव कजरी भुरकुंडा में आयोजित संताल समाज में बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। बैठक के बाद जानकारी दी गई कि 3 जिले में कफन प्रथा को समाप्त कर दुखी परिवार के परिजनों को सहयोग राशि देकर सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। राजस्थान के पेपर लीक केस में कोई नेता व अधिकारी शामिल नहीं, सीएम गहलोत बोले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक मामले में कोई अधिकारी व नेता शामिल नहीं है। उन्होंने कहा राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य जहां
मामले में अधिकारियों को बर्खास्त कर बड़ी कार्रवाई की गई। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा था, छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन बड़ी मछलियां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक आदेश में हिंदी को बताया राष्ट्रभाषा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य हिंदी साहित्य अकादमी को पुनर्गठित करते हुए सोमवार को जारी किए गए एक सरकारी प्रस्ताव में हिंदी को राष्ट्रभाषा बताया। प्रस्ताव में कहा गया कि हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के कारण उसके प्रचार प्रसार के लिए अकादमी की स्थापना हुई है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार दिल्ली से चल रही है। RBI ने नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 2 सहकारी बैंक पर लगाया कुल 7 लाख का जुर्माना। RBI ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 2 सहकारी बैंकों पर कुल 7 लाख का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में से एक जम्मू कश्मीर का जबकि दूसरा बैंक उत्तराखंड का है। RBI ने जम्मू के नागरिक सहकारी बैंक पर 5 लाख जबकि देहरादून के जिला सहकारी बैंक पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। COVID-19 के दौरान 2020-21 में ली गई फीस का 15% हिस्सा लौटा है स्कूल इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को COVID-19 काल के दौरान अभिभावकों से ली गई कुल फीस का 15% वापस करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस 15% फीस को अगले सत्र की फीस में एडजस्ट किया जाए और जिन छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें 15% फीस वापस की जाए। किसानों के विरोध के बाद पंजाब के CM ने जीरा की शराब फैक्ट्री को बंद करने का दिया आदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करीब 6 माह से जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद जीरा स्थित शराब फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पंजाब की आब वो हवा खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फैक्ट्री के गंदे पानी से क्षेत्र में जल स्रोत दूषित हो रहे हैं।